दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का नाम क्या है, उनकी एज कितनी हो सकती है और वो किस देश से बिलोंग कर सकती हैं? ये आपको रेड कलर से सर्किल में जो महिला दिख रही हैं, ये है उनकी यंग एज का फोटो। और इनकी इस समय एज कितनी हो चुकी है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। इनकी एज के चलते इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, इसमें हम लोग आपको बताएंगे पूरे जनवरी 2020 महीने में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि चर्चा में रही हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और जो महिलाएं करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रही हैं उनको लेकर करंट अफेयर्स का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और ये विश्वास मानिए, करंट अफेयर्स के पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छे नोट्स हैं जो कि टारगेट स्टडी AIQ के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। अब देखो, इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जापान की कितनी वर्षीय केन तनाका को दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित किया गया है। अभी भी मतलब वो जी रही हैं, अभी वो खत्म नहीं हुई हैं। तो देखो, जापान देश की रहने वाली केन तनाका जो है उनकी उम्र इस समय हो गई है 117 वर्ष, और उनको इस समय का यानी कि इस डिकेड का पूरे समय का सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ दुनिया की सबसे ज्यादा उम्रदराज इंसान किस देश की रहने वाली है, तब आंसर हो जाएगा आपका वो जापान देश की रहने वाली है। अगर आपसे पूछे उनका नाम क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा उनका नाम है केन तनाका, और उनकी एज क्या है, तो एज हो जाएगी 117 साल। आगे चलते हैं, इनका एक फोटो भी देख लेते हैं, 117 साल होने के बाद में वो किस तरीके से दिख रही हैं, ये आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो 117 साल की केन तनाका का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दूं इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। इनका फोटो आपने देख लिया है, इनके कह सकते हो यंग एज की फोटो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखती होंगी। अभी का फोटो मैं आपको दिखा चुका हूँ। साथ ही साथ में पिछले साल की बात करी जाए यानी कि 2018 की, तो 9 मार्च को उनको 116 साल और 66 दिन पूरे कर दिए थे, उस समय उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया था। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले साल जब उनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दिया गया था, तो ये आप इनका फोटो भी देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के साथ में केन तनाका का फोटो, जब वो 116 साल की हुआ करती थी। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल में तैयार हुआ हर क्वेश्चन के नीचे फोटो देते हुए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में जनवरी 2020 के मंथली PDF मार्केट में आ चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डेली बेसिस पर कितने लोग हमारी PDF को लेते हैं। 1 फरवरी की बात करी जाए तो 1 फरवरी को लगभग 5,467 लोगों ने इस PDF को परचेस किया था। 2 फरवरी को कुछ टेक्निकल एरर की वजह से किसी ने परचेस नहीं कर पाया था, और 3 फरवरी की डेट में 4,321 लोगों ने इस PDF को परचेस किया है, जिसमें कि 987 लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स देख सकते हैं, सभी बच्चों ने बार बार यही चीज़ कमेंट किया है कि सर लगभग हर एक एग्जाम में 95% क्वेश्चन आपके PDF से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बना है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित कर दिया है। तो वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित कर दिया है। यहाँ पर आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि लिखा है सन 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ये इस तरीके से घोषित कर दिया गया है। अच्छा, 2020 को इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ही वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया गया है। आपको भी पता है कि इतिहास में फ्लोरेंस नाइटिंगल जो हैं उनका नाम कितना बड़ा है, और वो एक नर्स थी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर यानी कि 12 मई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल नर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। चूंकि इसमें WHO की बात हुई, तो WHO का हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO के इस समय डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल का नाम है ट्रेडोस आधानोम, ठीक है, ये उनके डायरेक्टर का नाम हो जाएगा।
अगला आगे एक और प्रश्न बनता है कि लेडी विद द लैम्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो लेडी विद द लैम्स के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही जाना जाता है, जिनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी मुझे याद आता है, जिसमें यह कुछ इस तरीके से था कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध नर्सिंग के क्षेत्र से है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नर्सिंग के क्षेत्र से बिलोंग करता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत किसने करी है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये जो पहल शुरू करी गई है, ये करी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साइबर क्षेत्र में उनकी सुरक्षा कराने के लिए साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने करी है, जिसका एक फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइबर सेफ वुमेन जिसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चूंकि इसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है वहां की मुंबई। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में रही सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो सुनीता लाकड़ा जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिनका की एक फोटो भी आप देख सकते हैं, सुनीता लाकड़ा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है वो हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर हॉकी खेलते हुए इनका एक फोटो भी देख सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, सुनीता लाकड़ा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है वे किस खेल से जुड़ी हुई हैं, वे हॉकी खेल से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये एक 13 साल की लड़की है जिसका नाम है सुचेता सतीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुचेता सतीश को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सुचेता सतीश का फोटो देख सकते हैं, जिसमें कि देखो पीछे लिखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट टू सिंग 120 लैंग्वेज, यानी कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया, म्यूजिक कॉम्पिटिशन था जिसमें कौन सा कंटेस्ट कितनी ज़्यादा लैंग्वेज में गाना गा सकता है, इसको लेकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सुचेता सतीश, दुबई की रहने वाली भारतीय लड़की सुचेता सतीश ने सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में गाना गाकर इस अवार्ड को जीत लिया है। तो एक बार फिर से देखेंगे, हाल ही में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड प्रदान किसे किया गया है, तो सुचेता सतीश को प्रदान किया गया है। इनका फोटो भी आपने देख लिया, ठीक है, यहाँ पर इस अवार्ड के साथ में भी इनका फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है आयुषी ढोलकिया को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयुषी ढोलकिया को। तो यहाँ पर एक बार सोचिए, आयुषी ढोलकिया का फोटो देख लेंगे सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आयुषी ढोलकिया का ये रहा फोटो, जिन्होंने ही इस अवार्ड को जीता है। अगर यहाँ पर दोस्तों एक और फोटो देख लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आयुषी ढोलकिया जो है ये वडोदरा की रहने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए, वर्ष 2019 के जितने भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनको रिविजन कर लेते हैं। जैसे मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह को दिया गया था, मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी टुंजी को दिया गया था, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 सारा दम जनोविक को दिया गया था, मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 नाज जोशी को प्रदान किया गया था, मिस इंग्लैंड 2019 भाषा मुखर्जी को दिया गया था, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 विदिशा बालियान को दिया गया था, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव को दिया गया था, फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि 5 जनवरी 2020 को महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो 5 जनवरी 2020 को महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन बेंगलोर सिटी में किया गया है। यहां पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, महिला 9th वुमेन साइंस कांग्रेस, जिसका कोई फोटो पीछे लगा हुआ है, इसको बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया है 5 से 6 जनवरी के बीच में। इसमें आपको बता दें, इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो थी DRDO की एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक, जिनका नाम है टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि इस इवेंट पर
मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई थी। अगला प्रश्न बनता है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 जो है ये एस सौम्या को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो यहाँ पर आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है, ये एस सौम्या को प्रदान किया गया है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ किसे घोषित किया गया है, तो ये WHO ने 2020 को घोषित किया था। उसके बाद में पढ़ा है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है, नर्सिंग से संबंधित है। उसके बाद में साइबर सेफ वुमेन पहल कहाँ पर शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, वे हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद में एक प्रश्न पड़ा था 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड सुचेता सतीश को प्रदान किया गया है म्यूजिक के क्षेत्र में। उसके बाद में एक प्रश्न है मिस टीन इंटरनेशनल 2019 अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये आयुषी ढोलकिया को प्रदान किया गया है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि 5 जनवरी 2020 को महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न है कि जापान की सबसे उम्रदराज महिला जिसका नाम है केन तनाका को दुनिया की सबसे उम्रदराज घोषित किया गया, इनकी एज क्या है, तो उनकी एज है 117 साल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।